हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ कि फ्रेंड्स जो सीट्रियन की अपकमिंग कार यानी कि जो हमें सीट्रियन की C3X देखने को मिलती है, जो कि हमें क्रॉसओवर देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड्स इसके लॉन्च डेट से पहले फिर काफ़ी टाइम से हमें इसका जो टेस्टिंग है वो देखने को मिला था, बट मैं बात करने वाला हूँ उसके इंटीरियर के बारे में, जो कि फुल्ली जो है वो लिकआउट हो गया है। एंड फ्रेंड्स के अंदर हमें जो सीट्रियन का हमें ड्यूअल टोन थीम है वो देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड ये जो इंटीरियर है जो कि हमें सीट्रियन के हमें C3 Airbus SUV के अंदर भी जो है हमें देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड अगर मैं इसके डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके फ्रंट में हमें जो सीट्रियन की हमें फेमिलियर स्पीड एलईडी हेडलैम्प सेटअप एंड साथ ही में हमें बम्पर माउंटेड फॉग लैम्प्स एंड वाइडर ग्रीन देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड इसके एक्सटीरियर में हमें फ्लिप स्टाइल डोर हैंडल्स, डोर माउंटेड हमें ORV लैम्प्स एंड साथ ही में हमें रियर अराउंड एलईडी टेल लैम्प सेटअप भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अब बात कर लेते हैं फाइनली इसके इंटीरियर के बारे में। फ्रेंड इसके इंटीरियर में हमें लार्ज फ्लोटिंग टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, साथ ही में हमें डिजिटल क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, मैनुअल ORV लैम्प्स एंड वाइट सीट अपॉलिसी भी जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर मतलब इंजन ऑप्शन है जो कि हमें सेम ही देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रेंड ये हमें जो सीट्रियन का हमें 1.2 लीटर जो टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है वही देखने को मिलेगा, जो कि हमें 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एंड साथ ही में हमें ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स भी जो है हमें मिलने वाला है। तो फिलहाल इस कार के बारे में इतने ही स्पेसिफिकेशन एंड जो फ्यूचर से वही देखने को मिलते हैं। गाइस और वेगर्स के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आनी है तो जल्दी मेरे को न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको हमारे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।